हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जिला अधिकारी एकदम आंख बंद करके धृतराष्ट्र की तरह सरकार को संरक्षित कर रहे हैं। आपसे जिला नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दे के अपने अपने घर जरूर लौटिए, इससे ना आपका भला हो रहा है ना समाज का भला हो रहा है। 24 में हाफ और 25 में साफ। हम लोकल स्तर पे भी आपको बताना चाहते हैं, पिछले दिनों डुमरा सीओ को किसने उठा के ले गया? सरकार के ही विजिलेंस ने, वो कोई केंद्र सरकार की एजेंसी तो नहीं है। इससे स्पष्ट ये साबित होता है कि जिले में सिर्फ एक अंचल में भ्रष्टाचार नहीं है, जिले के हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जिला अधिकारी एकदम आंख बंद करके धृतराष्ट्र की तरह सरकार को संरक्षित कर रहे हैं। हर विभाग में भ्रष्टाचार भरा है। एक जिला अधिकारी अगर खुद को ईमानदार कहे, उससे जिला के सारे विभाग ईमानदार और सारे पदाधिकारी ईमानदार नहीं हो जाते। हम आपके चैनल के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आग्रह करते जिला पदाधिकारी को कि अगर आप ईमानदार आईएएस अधिकारी हैं तो जिले के हर विभाग को आप मॉनिटर करिए, जांच करिए। हर विभाग में भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री आवास में रोज हर गरीबों से 10,000 से 20,000 रुपया वसूला जाता है। एक सीओ आपके रहते हुए निगरानी के हत्थे चढ़े हैं। ऐसे सभी इस जिले के सीओ का यही हाल है। अगर जिला पदाधिकारी खुद ईमानदार है तो मिसाल पेश करें। एक अकेले आपके ईमानदार होने से यह सर्टिफिकेट नहीं होता कि आपका जिला पूरा ईमानदारी से चल रहा है। हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाके देख लीजिए, आप हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, कहीं अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, कहीं कोई एक्सरे नहीं हो रहा है। सबों को कमीशन के चलते स्टाफ बताते हैं कि जाइए बाहर से करा के ले आइए, मशीन खराब है। तो ये देखेगा कौन? मुख्यमंत्री तो नहीं आएंगे यहाँ, यहाँ जिला पदाधिकारी का काम है। अपराध रोज, अभी चिमनी मालिक को गोली मार दिया गया, इससे पहले डॉक्टर की हत्या कर गई, रीगा में आप देखे होंगे व्यवसायी को गोली मार दिया गया। पुलिस क्या कर रही है? जब रोज ऐसे ही अपराध चरम पे हो, रोज गोली खाएंगे लोग, तो किस काम की ये पुलिस? आप लोग रिजाइन करिए और अपने अपने घर वापस लौट जाइए। जब जनता ही सुरक्षित नहीं है, जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है सरकार से, तो ऐसे पदाधिकारी का भी कोई काम नहीं है। हम ऐसे पदाधिकारियों से मांग करते हैं कि अगर आपसे जिला नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दे के अपने अपने घर जरूर लौटिए, इससे ना आपका भला हो रहा है ना समाज का भला हो रहा है। समाज आपकी तरफ विश्वास की नज़र से देखता है कि एक आईएएस आईपीएस जब आते हैं जिले में तो उनकी तरफ एक विश्वास की नज़र से लोग देखता है, और वो विश्वास जनता का इस सरकार के प्रति तो खत्म ही है। हम पदाधिकारियों से भी मांग करते हैं कि कम से कम आप दिखाइए कि आप जनता के सेवक हैं। सिर्फ वेतन लेने के लिए आप जनता के सेवक नहीं हो सकते हैं, आपको जनता के लिए काम भी करना होगा, भ्रष्टाचार खत्म करना होगा, अपराध पे लगाम लगाना होगा। आप नगर निगम में देख लीजिए, अभी बारिश है, भ्रष्टाचार विभागीय काम नहीं हो रहा है, सारा काम विभागीय कर रहे हैं, कोई भी काम टेंडर से नहीं हो रहा है। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, प्रत्येक नगर पंचायत का जाँच DM साहब करावे। अगर जिस वार्ड में अगर 2 लाख रुपया पेमेंट होता है, मात्र 50,000 रुपया खर्चा होता है साफ सफाई के नाम पे, 1.5 लाख रुपया पदाधिकारी और बिचौलिए और उसके जो अभियंता है, कार्यपालक अभियंता और ठेकेदार है, उनके जेब में जा रहा है सफाई के नाम पे। बहुत बड़ा ये स्वच्छता के नाम पे लूट खसोट है, इसको अविलंब देखने की जरूरत है। इसी तरह आप आइए, रेल ओवरब्रिज बन रहा है, बिहार पुल निगम काम कर रहा है, क्या स्थिति है? कितने साल में भाई पुल बनेगा? आज सीतामढ़ी की जनता त्रस्त है, जाम से त्रस्त है। हम लोग भी उस रूट से जाना छोड़ चुके हैं, अब जाना होता है तो 10 किलोमीटर लोग डुमरा से घूम के जाते हैं। जल्द से जल्द बिहार पुल निगम का वो पुल बने, हम लोग ज्ञापन जिला पदाधिकारी को भी देंगे इन सारे बिंदुओं को लिख के। 13 मार्च के बाद हम 13 जुलाई के बाद पटना के मार्च के बाद हम अपने जो हमारा यहाँ डुमरा में हमारा जो मैदान है वहाँ से निकल के और DM साहब के पास सारे जो भी इस जिले में गड़बड़ियाँ चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, अपराध चरम पे है, सारा बिंदुवार उनको ज्ञापांग देने का हम लोग काम करेंगे और आईना दिखाने का काम करेंगे।